नमस्कार दोस्तों आप सबका लीनियर आई लेक्चर सीरीज में बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम स्ल्यू रेट्स ऑफ ओ इन डिटेल डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं स्ल्यू रेट्स को डिफाइन किया जाता है मैक्सिमम रेट एट विच आउटपुट ऑफ ओप पैम्प कैन चेंज या आप कह सकते हो हाउ फास्ट ओप पैम्प इज एबल टू रिस्पॉन्स दिस इज योर स्ल्यू रेट्स दोस्तों ये स्टडी करने से हमें ज़्यादा समझ नहीं आता है इसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं आपका वोल्टेज फॉलोवर का एग्ज़ाम्पल लेते हैं वोल्टेज फॉलोवर जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया है दोस्तों ये आपका जो इनपुट वोल्टेज है वही वोल्टेज हमारी आउटपुट पे अपीयर होती है मान लीजिए आपकी इनपुट वोल्टेज में ये आपकी स्क्यर पल्स है जहाँ जीरो वोल्ट लो लॉजिक है और अपर जो हाई uh, लॉजिक है इसका वो फाइव वोल्ट पे अवेलेबल है तो दोस्तों जब हम इस इनपुट सिग्नल्स को वोल्टेज़ फॉलोवर से पास कराते हैं तो कायदे से हमारा जो आउटपुट सिग्नल है वो बिल्कुल सेम मिलना चाहिए तो ये केस है दोस्तों आइडियल केस लेकिन प्रैक्टिकल केस क्या होता है कि वोल्टेज फॉलोवर आपका ओप ओपैम्प से बना होता है और जब ओप पैम्प का ब्लॉक डाइग्राम हमने स्टडी uh, किया था तो उसमें इंटरमीडिएट स्टेज में हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स यूज़ करते थे और उसमें जो हमारा इंटरनल कंपनसेशन ऑफ कैपेसिटर्स है उसकी वजह से सिग्नल्स में डिले इंट्रोड्यूस होगा यानी जो इनपुट सिग्नल है बिल्कुल वही सिग्नल आउटपुट पे अवेलेबल नहीं होगा क्यों क्यों क्योंकि जो आपका इंटरनल कंपनसेशन ऑफ कैपेसिटर्स होंगे उसमें जो करंट फ्लो होता है कैपेसिटर में वो आई सी इज़ इक्ल टू सी डी वी बाई डी टी यहाँ वोल्टेज वो होगा जो कैपेसिटर्स के, के अक्रॉस अवेलेबल है तो दोस्तों डी वी बाई डी टी दैट इज़ इक्वल टू आई सी अपॉन सी ये आपका क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका मतलब जो टाइम के अकॉर्डिंग आपका जो कैपेसिटर होगा वो चार्जिंग करने में भी कुछ टाइम लेगा और डिस्चार्ज होने में भी कुछ टाइम लेगा तो इस कैपेसिटेंस की वजह से आपका जो आउटपुट रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल शार्प नहीं मिलता वोल्टेज फॉलोवर होते हुए भी जो आपकी इनपुट वेव फॉर्म्स हैं और आउटपुट वेव फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट होती हैं अब इसमें ये देखिए आपका ये जो फाइव वोल्ट का पल्स यहाँ हमने वोल्टेज फॉलोवर को इनपुट दिया था आउटपुट में जीरो वोल्ट से फाइव वोल्ट तक पहुँचने के लिए कैपेसिटर्स को कुछ चार्जिंग टाइम लगेगा जिसको मैं टी से रिप्रेजेंट करता हूँ इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटपुट वेव फॉर्म्स हैं वो आपकी जस्ट इनपुट वेव फॉर्म्स के बराबर नहीं है यानी इसको कुछ आपका चार्जिंग टाइम लगेगा इस ये जो टी टाइम है यानी जीरो वोल्ट से फाइव वोल्ट पहुंचने में जो आउटपुट रिस्पॉन्स है आपका इसमें डेफिनेटली कुछ टाइम लगेगा और ये जितना टी टाइम है ये डिपेंड करता है स्लो रेट ऑफ योर ओप पे यानी अगर आपका स्लो रेट्स बहुत ज़्यादा होगा तो दोस्तों ये टी टाइम बहुत कम होगा और रिस्पॉन्स आपका काफ़ी फास्ट होगा अगर स्ल्यू रेट्स आपका कम होगा तो आपका रेस्पॉन्स काफ़ी स्लो होगा आपका कैपेसिटर बहुत आराम से चार्ज होगा और दोस्तों जितना आपका कैपेसिटर चार्ज होने में टाइम लगाएगा उतना ही आपका डिस्चार्ज होने में टाइम लगाएगा ये आपकी स्ल्यू रेट्स की यूनिकनेस है आई होप अब आपको समझ आया होगा हाउ फास्ट इज एबल टू रिस्पॉन्स दिस इज योर स्ल्यू रेट्स अब दोस्तों यहाँ पे जो स्ल्यू रेट है उसका यूनिट क्या होता है वो देख लीजिए स्लू रेट्स का यूनिट होता है वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड अगर मैं कहूँ दोस्तों स्ल्यू रेट्स आपका वन वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड गिवन है इसका मतलब ये होगा कि आपका एक माइक्रोसेकेंड्स में एक वोल्ट तक चार्ज हो सकता है और जो आउटपुट वेव फॉर्म्स हैं मान लीजिए ये आपका इनपुट था जीरो टू फाइव और आपको जो आउटपुट रिस्पॉन्स जीरो टू फाइव ही चाहिए था यानी सेम आपकी इनपुट पल्स होंगी और सेम आपकी आउटपुट पल्स होंगी इन केस ऑफ वोल्टेज फॉलोवर तो दोस्तों यहाँ पे अगर स्ल्यू रेट आपका वन वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड है तो इसको आउटपुट को जीरो वोल्ट से फाइव वोल्ट तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा डेफिनेटली इसको फाइव माइक्रो सेकेंड्स लगेंगे लेकिन अगर मैं स्ल्यू रेट्स को फाइव टाइम्स कर दूँ यानी अब फाइव वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड्स है यानी अब एक माइक्रो सेकेंड्स में, में मेरा जो आउटपुट है वो फाइव वोल्ट से आपका रेट चेंज करा सकता है यानी जीरो टू फाइव वोल्ट होने में अब आउटपुट्स को सिर्फ एक माइक्रो सेकेंड लगेगा अब ये बताइए यहाँ ज़्यादा इंट्रोड्यू यहाँ ज़्यादा डिले इंट्रोड्यूस हुआ है या यहाँ तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जो आपका स्लो रेट है अगर वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी तो डेफिनेटली आपके डिलेज़ कम होंगे और आपका रेस्पॉन्स काफ़ी फास्ट होगा अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों हमारा जो स्ल्यू रेट है इसकी वजह से ही हमारे आउटपुट सिग्नल्स में या आउटपुट जो वोल्टेज हमें मिलता है उसमें डिस्टोरशन ऐड हो जाता है अब वो डिस्टोरशन कैसे है यहाँ बात करेंगे सेम केस है वोल्टेज फॉलोवर हमारा मेन uh, सर्किट है जिसमें इनपुट अप्लाई करेंगे और आउटपुट का वेव चेक करेंगे यहाँ पे मैंने इनपुट पल्स कंसिडर किया है जो स्क्वेयर वेव पल्स हैं जिसका टाइम पीरियड फोर्टी माइक्रो है इसमें दोस्तों फिफ्टी परसेंट ड्यूटी साइकिल्स अगर है तो आपका टी ऑन टाइम ट्वेंटी माइक्रो सेकेंड होगा और टी ऑफ टाइम भी ट्वेंटी माइक्रो होगा इस केस में अगर मेरा स्लो रेट पॉइंट फाइव वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड है इसका मतलब एक माइक्रो सेकेंड्स में पॉइंट फाइव वोल्ट ही चेंज हो पाएगा तो कायदे से हमारा जो वोल्टेज फॉलोवर है उसकी आउटपुट इनपुट के सेम होने चाहिए बट स्ल्यूरेट्स रेट्स की वजह से क्या होगा कि ये जो ब्लैक पेन से मैंने यहाँ पे शो किया है ये मेरा इनपुट सिग्नल है और जो रेड पेन से मैंने शो किया है ये हमारा आउटपुट सिग्नल्स है तो आउटपुट सिग्नल्स में हमारा जो स्ल्यू रेट्स है वो पॉइंट फाइव वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड्स है यानी जीरो वोल्ट से फाइव वोल्ट पहुँचने में कितना टाइम लगेगा यहाँ डेफिनेटली इसको टेन माइक्रो सेकेंड्स लगेंगे तब जाके ये फाइव वोल्ट पे पहुंचेगा तो दोस्तों यहाँ ओवरऑल जो आपका टी ऑन टाइम पीरियड था वो आपका ट्वेंटी माइक्रो सेकेंड्स था लेकिन टेन माइक्रो सेकेंड्स आउटपुट्स को लगे उसके मैक्सिमम लेवल को अचीव करने में इसके बाद आपका ये फिक्स रहेगा इस पॉइंट पे आपका इनपुट सिग्नल 5 वोल्ट टू तो 0 वोल्ट में कन्वर्ट होगा जैसे ही आपका इनपुट सिग्नल 5 टू तो 0 होगा आपके जो इंटरनल कंपनसेटेड कैपेसिटर्स थे वो अब डिस्चार्ज होना स्टार्ट होंगे यानी जिन कैपेसिटर्स को 0 से 5 वोल्ट में 10 माइक्रो सेकेंड्स का टाइम लगा अब उन सभी कैपेसिटर्स को 5 वोल्ट से 0 लाने में भी आपका दस माइक्रो सेकेंड्स का टाइम लगेगा तो यहाँ से देख लीजिए दोस्तों जो आपकी इनपुट पल्स थी और जो आपकी आउटपुट पल्स है इन दोनों पल्सिस में डिफरेंस है यानी जब भी आपकी सेप डिफरेंट हो जाती है तो आप कहते हो कि उस इनपुट सिग्नल्स में डिस्टॉर्शन आ गया है तो ये है दोस्तों डिस्टॉर्शन स्ल्यूरेट्स की वजह से अब हम बात करते हैं कि जो हमारा डिस्टॉर्शन है वो किस पे डिपेंड करता है डिस्टोरशन ऑफ ओ डिपेंड्स अपॉन टू इंपोर्टेंट फैक्टर फर्स्ट इज़ इनपुट फ्रीक्वेंसी एंड सेकेंड इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट वोल्टेज तो पहले इनपुट फ्रीक्वेंसीज की बात कर लेते हैं जो दोस्तों हमारा ये केस था इसमें हमने जो टाइम पीरियड है वो फोटी माइक्रो सकेंड्स रखा था अगर मैं टाइम पीरियड्स को ट्वेंटी माइक्रो सैकेंड्स रखूँ यानी अब सीधा सीधा मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूँ तभी आपका टाइम रिड्यूज होता है और एस मैंने सेम कंसिडर किया है जीरो पॉइंट फाइव वोल्ट पर माइक्रो तो जीरो टू फाइव वोल्ट आपका टी ऑन टाइम दस माइक्रो सेकेंड्स टी ऑफ टाइम दस माइक्रो सेकेंड्स तो अब आप ये देखिए जो आपकी इनपुट पल्स है वो आपकी स्क्वेयर वेव है कायदे से वोल्टेज फॉलोवर की आउटपुट पल्स भी आपकी स्क्वेयर वेव ही होनी चाहिए बट ये जो स्ल्यू रेट्स है इसके अकॉर्डिंग जीरो से फाइव वोल्ट होने में आउटपुट्स को कितना टाइम लगेगा दस माइक्रो सेकेंड्स यानी दस माइक्रो सेकेंड्स के बाद आपका जो आउटपुट है वो फाइव वोल्ट पे अवेलेबल होगा लेकिन जैसे ही वो फाइव वोल्ट पे पहुंचेगा आफ्टर टेन माइक्रो सेकेंड्स इनपुट पल्स फाइव वोल्ट से जीरो वोल्ट हो जाएगी यानी अब आपके वो जो इंटरनल कंपनसेटेड कैपेसिटर्स थे जो इंटरमीडिएट स्टेज में मिलते हैं वो अब डिस्चार्ज होना स्टार्ट होंगे यानी चार्जिंग टाइम उनका दस माइक्रो सेकेंड्स था तो डिस्चार्जिंग टाइम भी दस माइक्रो सेकेंड्स होगा तो ये जो वेव है दोस्तों ये आपकी ट्रेंगुलर वेव है लेकिन इनपुट वेव आपकी स्क्वेयर वेव्स थी अगर आपकी स्क्वेयर वेव ट्रेंगुलर वेव में कन्वर्ट हो तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि ऐसे सर्किट्स में डिस्टोर्शन है और वो डिस्टोर्शन आपका इनपुट फ्रीक्वेंसी की वजह से हुआ है क्योंकि इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ ट्रेंगुलर वेव नहीं हैं ट्रैपिजोडियल्स हैं बट जितना फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करोगे तो ये डेमानस्ट्रेट किया हमने उतना ही डिस्टोरशन हमारा बढ़ता चला जाएगा सेकेंड फैक्टर अगर मैं कंसिडर करूँ कि आउटपुट वोल्टेज का अगर मैं एम्पलीट्यूड ज़्यादा रखूँ यानी फाइव वोल्ट की बजाय अब मैं दस वोल्ट का एम्पलीट्यूड रखता हूँ तो ये क्या करेगा 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड जो स्ल्यूरेट्स है ये आपका 10 माइक्रो सेकेंड्स में 5 वोल्ट तक पहुंचेगा। जैसे ही 10 माइक्रो सेकेंड्स ख़त्म होंगे आपका जो इनपुट सिग्नल है दोस्तों वो अब हाई लॉजिक से लो लॉजिक में आ जाएगा अब आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ आपने देखा कि जो आउटपुट है वो मैक्सिमम फाइव वोल्ट तक ही अवेलेबल है और स्क्वेयर पल्स को ट्रेंगुलर पल्स में कन्वर्ट कर दिया बट वट अबाउट दिस फाइव वोल्ट टू टेन वोल्ट फैक्टर्स तो अगर आप एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो उस केस में भी आपका डिस्टोरशन उतना ही बढ़ता चला जाता है अगर इसी केस में स्ल्यू रेट्स आपका 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड है इस स्ल्यू रेट्स को अगर आप 20 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड्स अगर रख दें तो डेफिनेटली आपने इस केस में स्ल्यू रेट्स को बढ़ा दिया है यानी अब एक माइक्रो सेकेंड्स में 20 वोल्ट आउटपुट गेन कर सकता है तो ये आपका अगर 10 वोल्ट का मैं इनपुट सिग्नल कंसिडर करूँ तो इसको जीरो से टेन वोल्ट पहुँचने में आउटपुट पर सिर्फ पॉइंट फाइव माइक्रो सेकेंड्स लगेंगे और दोस्तों यहाँ पे जब आपका इनपुट हाई लॉजिक से लो लॉजिक चला जाता है क्योंकि ये एक स्क्वेयर पल्स है तो इसको सिमिलरली आपका पॉइंट फाइव ही लगेंगे आपका टेन वोल्ट से जीरो वोल्ट होने में तो इसका मतलब जितना ज़्यादा रेट्स होगा उतना कम डिस्टोर्शन होगा क्योंकि इसमें जो रेड है वो आपकी आउटपुट वेव फॉर्म है जो आपकी ब्लैक है वो आपकी इनपुट वेव फॉर्म्स है और दोनों वेव फॉर्म्स ऑलमोस्ट सेम है यानी इस केस में डिस्टोर्शन बहुत कम है तो ये तो था दोस्तों अभी तक अगर आपके इनपुट्स स्क्वेयर पल्स हैं लेकिन अगर आपके इनपुट्स साइनोसोडल पल्स हैं यानी साइनोसोइडल इनपुट में अप्लाई करूँ तो उस केस में सिल्यूरेट्स क्या होना चाहिए डिस् आपने यहाँ पे देखा कि जितना स्ल्यू रेट्स इंक्रीज करूँगा डिस्टोर्शन मेरा उतना ही कम होगा यानी कंडीशन ये है कि मिनिमम डिस्टोर्शन अगर आप रखना चाहते हो तो आपका स्ल्यू रेट्स हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट से ज़्यादा होना चाहिए यहाँ दोस्तों एस आर ग्रेटर देन इक्वल टू डी एम ओफ्ट टी डिवाइड बाई डी टी दोस्तों एम टी आपका इनपुट वोल्टेज सिग्नल है जो ओप पे अवेलेबल है और ये साइनोसोडल है तो इसको हम वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी से रिप्लेस कर सकते हैं अब जब हम इस फैक्टर का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो बनेगा एस आर ग्रेटर देन इक्वल टू वी एम ओमेगा कोस ओमेगा टी जब स्ल्यूरेट्स की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम मोड्स लेंगे वो बनेगा वी एम इन टू ओमेगा को लिख सकते हैं टू पाई एफ तो यहाँ से ये आपका स्ल्यूरेट्स है यानी इनपुट uh, जो वोल्टेज है उसका एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई विद टू पाई इन टू इनपुट फ्रीक्वेंसी इन सभी का प्रोडक्ट आपका स्लो रेट से कम होना चाहिए यानी आपका जो स्लो रेट्स है जो हर ओपम्प आई सीज़ के लिए प्री डिफाइंड होता है वो इनके प्रोडक्ट से ज़्यादा होना चाहिए तो यहाँ से अगर मैं एफ़ निकालूँ तो जो मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी दैट वुड बी इक्वल टू स्लो रेट्स डिवाइडेड बाई टू पाई वी एम या आप इसको लिख सकते हो लेस देन और इक्वल टू यानी अगर आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से इंक्रीज होती है तो डेफ़िनेटली आपके आउटपुट्स में डिस्टोर्शन मिलेगा अगर आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से कम है तो उस केस में डिस्टोर्शन नहीं मिलेगा तो यहाँ ये कह सकते हैं कि जो ये आपका एफ़ मैक्स है ये आपका एफ मैक्स इनडायरेक्टली उस ओ की बैंड को रिप्रेजेंट करता है सो दिस इज ऑल अबाउट स्ल्यू रेट्स दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में स्ल्यू रेट्स के बेसिस पे दो या तीन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो